भैया मैं तो अशोक तोते कहूँ तो मैं ना कछ भी, तू तो लप्पू सोता वैसा ही है। और कहीं क्या आ गए आगो ना तो झिंगू की तरह मसल के और फेंक देंगे। तो हमारे दुबक्के रहियो, ध्यान रखियो अपनो। बिल्कुल गुस्सा है भैया। गहलोत सरकार वो तोतले से मुख्यमंत्री रहे वहाँ, उनमें बुद्धि नाम की चीज ना थी। नींद की गोली खाए सोई थी क्या गहलोत सरकार, जिसे 10 महीने पहले लेटर के द्वारा बकायदा प्रशासन के द्वारा, पंजाब प्रशासन के द्वारा बताया गया था। तो क्यों नशे में थे क्या? घर में घुस के एक अपना बन के पीठ में वार किया? क्यों उनकी माँ के दूध नहीं पिलाया क्या? अरे सामने थे आते तो भलो वो घोगा मेडियम मार पा रहे, पता पड़ी उनकी बोटी बिखरी पड़ी है वार रूम में। सामने थे ना जाके वार करोगे ना तो खुद कहीं ना पता पड़ेगा, खुद ही हजम है जाओगे। एनकाउंटर होगा और एनकाउंटर ही करना पड़ेगा। हमें एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए, हर हालत में चाहिए। अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो पूरा हिंदुस्तान बंद करने में भी देर नहीं लगेगी। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। जिस प्रकार से राजस्थान में करणी सेना के जो अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, उसके बाद लगातार लोगों में रोष बना हुआ है। आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में हम मौजूद है, गीता भाटी जी और मिथिलेश भाटी जी भी आज हमारे साथ यहीं पर बनी हुई है। किस प्रकार से लोगों में जो रोष है, जिस प्रकार से हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। मिथिलेश भाटी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर सुरक्षा दे दी जाती तो सुखदेव सिंह जी के साथ ये नहीं होता जो अब हुआ है? जी बिल्कुल, आज वो अपने फैमिली के साथ होते, परिवार के साथ बैठे होते। लेकिन उन्होंने तो जो कि सुरक्षा ना देके वो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया, नालायक ने इनके बस की ना कछ भी। क्यों जो भी हत्या हुई, जिस प्रकार से आपने देखा कि वो छुप कर आए, अपनी पहचान बदल कर आए और उसके बाद एकदम से गोली निकाल कर सीधा हमला कर दिया उनके ऊपर, क्या कारण था इस चीज़ के? भी सामने से नहीं आ सकते थे? अरे सामने थे आते तो भलो वो घोगा मेडियम मार पा रहे, पता पड़ी उनकी बोटी बिखरी पड़ी है वहाँ रूम में। भैया शेर के ढोरे जा रहे हो, बकरी हो तुम तो छुप के ही वार करोगे? सामने तो ना जाके वार करोगे ना तो खुद कहीं ना पता पड़ेगा, खुद ही हजम है जाओगे। हिम्मत नहीं है किसी में भी कि जो राजपूतों पे सामने से हमला कर सके? बिल्कुल ना भैया, राजपूत तो चीज ही ऐसी है, खुलो शेर है, कोई उंगल करके तो दिखाए, ससरे हाथ अभी उखाड़ लेगा उंगली के संग। अभी किस सजा की आप लोग मांग करते हैं उन अपराधियों के लिए जो अभी पकड़े गए हैं हाल ही में? देखो भैया वैसे तो एनकाउंटर की मांग है रही है, बुलडोजर की भी मांग है रही है, पहचान की भी मांग है रही है, क्योंकि परिवार, एक आदमी अगर परिवार को खत्म हो जाए तो वह पूरा परिवार ही खत्म हो जाए, बिना आदमी के परिवार नहीं चलता, ये सब जानते हैं। आपको लगता है बुलडोजर कार्रवाई होगी? अजी भाजपा सरकार जब से आ जाती तो काय को आज सुरक्षा मिल जाती, वो जिंदे ना होते। ये नालायक एक दूसरे पे फोड़ते ही रहे, ठीक रहा काम ही कहा है इन पे, कोई दूसरा काम है क्या? तेरी टोपी मेरे सर और मेरी टोपी तेरे सर, या के सिवा और कोई काम ना आवे सरकारन पे? वैसे वहाँ योगी राज होना चाहिए जैसे हमारे योगी बाबा हैं, ऐसा ही वहाँ होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे यूपी की कंडीशन बहुत सुधार में। अच्छा, यूपी जैसा जो मॉडल है वो राजस्थान में भी अगर लागू हो जाए तो ऐसी हत्याएं होनी बंद हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी भैया, हमारे यूपी में कहाँ है राजनीति अब। हमारे यूपी बहुत चैन की सांस ले रहा हो कह सको, रात को महिलाएं भी खूब लेट सेट घूम रही हैं, लड़कियां भी घूम रही हैं। पहले कांग्रेस की सरकार में कहां ही इतनी सुरक्षा, अब देखना रहे तुम। राजस्थान को भी क्या योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है भैया, सुधार होगा। बिल्कुल सुधार होगा भैया, इलेक्शन तो हुआ है, अब देखो टाइम बता। नहीं होता है तो अगली रणनीति क्या रहेगी? क्या और जोरदार प्रदर्शन होगा और राजपूत समाज के लोग सामने आएंगे? देखो भैया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के कर देंगे, और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सारे हैं, फैसला जो इनको रहेगा वहाँ पे आगे को कार्रवाई होएगी। भैया मैं तो अशोक तोते कहूँ तो मैं ना कछ भी, तू तो लप्पू सोता वैसा ही है, और कहीं क्या आगे आगो ना तो झिंगू की तरह मसल के और फेंक देंगे। तो हमारे दुबक्के रहियो, ध्यान रखियो अपनो, ठीक है ना? बिल्कुल गुस्सा है भैया, राजपूत समाज पतो है, सर्व समाज पतो है, जो आदमी सर्व समाज के लिए काम करे कि उन्होंने क्या खोया है? एक बड़ा भाई बच्चों के लिए, एक दादा के बाबा के टाइप बुजुर्ग जो रास्ता दिखाता है सही और गलत में फैसला करने की हिम्मत देता है, तो आगे की पीढ़ी के लिए तो ये दुखदाई है ना भैया, हमारे लिए तो। किस प्रकार की सजा की अब आप लोग मांग करते हैं? जो हत्यारे थे वो तो पकड़ लिए गए हैं, इंसाफ तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। देखो भैया, जो आज पकड़े गए हैं, अगर इंसाफ की बात आती तो ऐसा होता ही क्योंकि हमें इंसाफ मांगना पड़ता, हमारे बीच से एक शेर को धोखे से मार दिया जाता, तो ये इंसाफ नहीं है। अगर प्रशासन को जगना था तो पहले जगते, घर में घुस के एक अपना बन के पीठ में वार किया। जब भी छत्रियों पे वार करने की बात आती है तो धोखे से ही वार क्यों किए जाते हैं?
क्यों उनकी माँ के दूध नहीं पिलाया क्या? क्यों वो धोखे से आते हैं? क्यों षड्यंत्र रचे जाते हैं? इसीलिए रचे जाते हैं क्योंकि हमारे कानून में बड़े लूप फॉल्स हैं, बड़े लचीला है हमारा कानून, और ऐसे अपराधी उसमें से कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेते हैं। इसलिए हमारी पूरे क्षत्रिय समाज की ये मांग है और सर्व समाज की ये मांग है कि भाई इनका एनकाउंटर हो, इनके घरों पर बुलडोजर चलें और सरकार मुआवजा दे। योगी बाबा की तरह जैसे यूपी में एक्शन होता है, वैसे राजस्थान में भी होना चाहिए ऐसा लग रहा है। पूरे देश में होना चाहिए, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में होना चाहिए। जो कांग्रेस थी उसे पता था, उसके बाद भी वो सोते रहे और आज वो ठीकरा दूसरे पे फोड़ रहे हैं जिनको अभी तक शपथ ग्रहण भी नहीं हुई। उन पर उनका क्या दोष रहेगा भाई? जब तक बच्चा पैदा ही हुआ है, अभी तो उसका नामकरण भी नहीं हुआ, तो उसका तो पहले नामकरण तो हो जाता, तब बाद में हत्या होती, तो आप ये भी कह सकते थे कि भाई इन्होंने करा दिया। भैया सारा कुछ तो तुमने ही करा दिया। गहलोत सरकार वो तोतले से मुख्यमंत्री रहे वहाँ, उनमें बुद्धि नाम की चीज ना थी कि उन्हें पता ना थी। 10 महीने पहले सरकार का इलेक्शन तो अब हुआ, 10 महीने पहले पंजाब पुलिस ने लिखित बाकायदा ये बताया था कि सुखदेव गोगा मैडी के हत्या का षड्यंत्र चल रहा है। भाजपा पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि जैसे ही भाजपा की सरकार आई राजस्थान में जंगल राज आ गया। कहाँ, पहले से ही से जंगल राज था वहाँ, अब तो भाजपा की आई है ना, तो अब दिखाएंगे ना जंगल में शेर कैसे दौड़ते हैं, तो अब आगे आएगा, अब चल रही है। अभी आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि सुखदेव भाई को जो श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी उसमें आए हैं। तो ऐसा नहीं है, सरकारें तो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ती हैं, आम जनता क्या सोचती है, आम लोग क्या सोचते हैं, क्षत्रिय समाज ही नहीं पूरा सर्व समाज ये जानता है कि जिस व्यक्ति को 10 महीने पहले ये जगाया जा रहा था कि भाई उठ नींद से, तू नींद की गोली खाए सोई थी क्या गहलोत सरकार, जिसे 10 महीने पहले लेटर के द्वारा बकायदा प्रशासन के द्वारा पंजाब प्रशासन के द्वारा बताया गया था, तो क्यों नशे में थे क्या? या वो भी जो है वाकी तरह वो गए हो ना राहुल गांधी विदेश कुछ नए शब्द जात करने, वो गहलोत का सोचने में चले गए होगा कहीं विदेश सपने में। तो इन लोगों का नाकामयाबी थी और आज ये नाकामयाब लोग ही दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं। नाकामयाबी का कहीं ना कहीं मन में गुस्सा है इस चीज को लेकर, बिल्कुल गुस्सा है। अगर आज इन्होंने उन्हें सुरक्षा दी होती तो वो जिंदा होते, अपने परिवार का लालन पालन करते, इस देश के हर परिवार का वो सहयोग करते, हर पीड़ित के आंसू पोंछते, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते जैसे वो इतने सालों से कर रहे थे। कहीं ना कहीं मन में गुस्सा है सर, ये जो पूरी जो हत्या हुई है जिस प्रकार से और अभी गिरफ्तारी हुई है, आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है एनकाउंटर होगा? सर बिल्कुल होगा, एनकाउंटर होगा और एनकाउंटर ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम सक्षम समाज हैं सर, हमें ना तो किसी का सहयोग चाहिए ना कुछ चाहिए। जो हमारा राजपूत समाज है ना, इतना सक्षम समाज है कि हम मनवा के मानेंगे। हमें एनकाउंटर चाहिए तो चाहिए, हर हालत में चाहिए। आज देखो ना, आज राजपूत समाज कौन सा नहीं खड़ा, पूरा राजस्थान बंद कर दिया एक फ़ोन पे, पूरा राजस्थान। अगर एनकाउंटर नहीं हुआ तो पूरा हिंदुस्तान बंद करने में भी देर नहीं लगेगी, इतने सक्षम है हम। भाजपा की गलती है, जब से भाजपा आई है उसके बाद हत्या हुई और जंगल राज लौट आया है राजस्थान में। सर अगर आपने राजस्थान मीडिया को कवर किया है, राजस्थान ने अगर मीडिया कवर करी है, देखो मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाह रहा लेकिन उसके बाद आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार गई 2 वजह से है, जंगल राज को खत्म किया है और दलाल मुक्त सरकार को खत्म किया है। अगर आपने कैंपेन सुने होंगे ना, 2 ही कैंपेन रन हो रहे थे वहां पे, भयमुक्त राजस्थान और दलाल मुक्त राजस्थान, ये दोनों चीज़ें खत्म करी गई हैं, तब कांग्रेस खत्म। उससे पहले कहाँ थी, पहले कर लेती ना, और या अब हमारी सरकार बन जाने दो उसके बाद देख लेना। यूपी में हम हैं, यूपी में बाबा बैठे हैं, दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, करवा के देख लो ना कोई करवा सके। मोदी जी के आने से पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे, पूरी दिल्ली दहलती थी, पूरा हिंदुस्तान दहलता था। आप बताओ ना कहाँ पे हो रहे हैं बम ब्लास्ट, कौन बंदा ऐसा है जो ये कहता है कि हाँ भाई यहाँ पे फलाने जगह पे बम ब्लास्ट हो गए, वहाँ पे किडनैपिंग हो गई, ये हो गई, कहाँ हो रही है आज के वक्त में? डबल इंजन सरकार लिए बैठी है। और वैसे भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ से हम राजनीतिक बातें करने नहीं बैठे हैं, यहाँ मेरे दादा के लिए हम बैठे हैं। सवाल उठे हैं क्योंकि जब अशोक गहलोत से सिक्योरिटी मांगी थी सुखदेव जी ने, वो सिक्योरिटी उनको नहीं दी गई, 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया था और जिस चीज का डर था वही हो गया। देखो दादा को नहीं दी गई सिक्योरिटी, इसमें अशोक गहलोत सरकार को जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं दी गई। अब जो हो गया सो हो गया, राजपूत सरकार एनकाउंटर मांग रहा है, इन्हें एनकाउंटर देना पड़ेगा।
या तो प्यार से दें, नहीं तो राजपूत समाज अपने तरीके से ले लेगा। इन्हें एनकाउंटर करने पड़ेंगे और हर हालत में करने पड़ेंगे। जिस प्रकार से छुपके वार किया गया, आइडेंटिटी छुपा के अंदर घुस जाते हैं और एकदम से हमला कर दे, यूं कहो कि पीठ पीछे उनके उनको गोली मारी गई है। भाई साहब, अगर जयचंद नहीं होते तो राजपूत मरता क्यों? ये जयचंदों के चक्कर में ही तो मरे हैं हम। आज के वक्त में भी राजपूत अब खड़ा होके दिखा रहे हैं कि हम एक खड़े हैं। इन्हें ये लगता था ना हम अलग अलग खड़े हैं, हम अलग नहीं है, सारा राजपूत समाज एक है और सिंगल है। और ये शक्ति अब दिखाई है। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया और ना एनकाउंटर किया गया तो पूरा हिंदुस्तान बंद करने की ताकत रखते हैं। अभी तो खाली जयपुर बंद किया है, पूरा हिंदुस्तान बंद होगा। देंगे आपको लग रहा है इस पूरे इसमें क्या बात कर रहे हो? एक फोन कॉल पे पूरा राजस्थान बंद हो गया। इससे पहले हुआ था किसी राजपूत को छेड़ोगे ऐसा होगा। आप दिखाते हैं आपको कि राजपूत को छेड़ने का मतलब क्या होता है। हम राजपूत एकता दिखा रहे हैं आपको। आप देखो ना, आप पूरा लाल किला पूरा भरा पड़ा है।